ओडी भी पढ़ी ही है वहाँ। थोड़ा सा अगर रिकॉल करें कि मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर जो दो मेजर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, फर्स्ट सर होगी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। हाँ हो गई है, उमेर जी सर हो मेरे गई है सर, पास। स्टार्ट हो हाँ गई। हो सर ठीक है, गई ठीक हो है गई। सर। अच्छा, मैथमेटिकल मॉडलिंग में जो मेजर एक स्टेप है जो हमने ओडीज के अंदर भी पढ़ा हुआ था, वही ही चीजें होती हैं कि दो उसमें मेजर पार्ट है। फर्स्ट इज दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल, कि आपने डिफरेंट जो फिजिकल चीजें हैं उनको क्या नेम असाइन करने हैं, वेरिएबल कौन से असाइन करने हैं। ठीक है, वेलासिटी है तो वेलासिटी के लिए हम वी यूज़ करते हैं, टेम्परेचर है तो कैपिटल टी यूज़ करते हैं, डेंसिटी है तो रो यूज़ करते हैं, फ्लक्स है तो क्यू यूज़ करते हैं। इस तरह के रेलिवेंट वेरिएबल असाइन करने होते हैं एक पार्ट में। दूसरे में जो है, जो दूसरा मेजर पार्ट होता है, उसमें आपने जो रेलिवेंट लॉज हैं उस फिजिकल फिनामिना के वो आइडेंटिफाई करने हैं, वो स्टेट करने हैं। तो थर्ड स्टेप में हम वेरिएबल को इन लॉज की मदद से एक मैथमेटिकल रिलेशन की फॉर्म देंगे, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की यूजुअल फॉर्म में बनेगी, वो मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है। ठीक है, डेफिनेटली आपको ये अंदाजा है कि वेरिएबल भी बहुत ज्यादा है, इन्फिनिट है, हमें सारे वेरिएबल की जरूरत नहीं होगी। फाइन फिजिक्स के जो लॉ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, सबकी हमें ज़रूरत नहीं, हमें रेलिवेंट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं टेम्परेचर इक्वेशन, हीट इक्वेशन मॉडल करता हूँ तो मुझे उससे रेलिवेंट लॉ की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन मेरा वहाँ यूज़ होगा। फाइन, इसके अलावा और कंजर्वेशन लॉ की शायद ज़रूरत ना हो, लेकिन अगर मैं अंदर वेव फिनोमेना को मॉडल करता हूँ, कंटिन्यूटी इक्वेशन को मॉडल करता हूँ, वहाँ पॉसिबल है फोरियर लॉ की मुझे जरूरत ना पड़े, तो उसको मुझे टेक केयर नहीं करना, उसको मुझे कंसिडर नहीं करना, मुझे यहाँ कंजर्वेशन लॉज की या वेव फिनोमेना में आप कह लें कि उसको न्यूटन साइकिल लॉ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए को यूज करना है, दूसरों को नहीं यूज करना। तो रेलिवेंट लॉ को हमने यूज करना है और जो वेरिएबल डिफाइन कर उनको कनेक्ट करने विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन लॉ। तो आपको जो एंड पे फॉर्म मिलती है वो मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी। अब इस मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर सिक्स स्टेप्स हैं, सो दिस इंक्लूड सिक्स स्टेप, मैथमेटिकल मॉडलिंग कंसिस्ट ऑफ सिक्स स्टेप्स। सिक्स स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो फर्स्ट क्या है, पहले नंबर पे है ऑब्जेक्टिव्स। फाइन, सेकंड स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व होता है बैकग्राउंड। थर्ड होती है अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन देन आइडियलाइजेशन, ये की बात है। फोर जो मेजर स्टेप है दैट इज दी मॉडलिंग। मॉडलिंग मीन कन्वर्ट ऑल द अबव स्टेटेड अजम्पशन इनटू मैथमेटिकल रिलेशंस। फिफ्थ आपका है मॉडल वैलिडेशन। सिक्स्थ है कंपाउंडिंग। इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या चीज़ें। अब इनके नेम से भी हमें चीज़ें क्लियर हो रही होती है। ऑब्जेक्टिव है कि हमारा फोकस कि हम कौन से फिजिकल या रियल लाइफ सिस्टम को इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो एट दिस पॉइंट इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्ट्रिप द सिस्टम टू इट्स एसेंशियल फीचर सो दैट द प्रोटो मॉडल, बस इसने ये कहानी डाली है। इसको अगर लेमैन की जुबान में बताना चाहें तो इसका मतलब है कि आप यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, कौन सी इक्वेशन आपके माइंड में है मॉडल करना चाह रहे हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन मॉडल करना चाह रहे हैं, हीट इक्वेशन मॉडल करना चाह रहे हैं, वेव इक्वेशन मॉडल करना चाह रहे हैं, वन डायमेंशन वेव करना चाह रहे हैं, टू डायमेंशन वेव करना चाह रहे हैं, थ्री डायमेंशन वेव करना चाह रहे हैं, या कोई प्रोजेक्टाइल मोशन आप करना चाह रहे हैं,
मॉडल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ आप अपना मेजर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लिखी है, थ्योरेटिकल चीज़ों पर बेशक पढ़ लें, मैं आपको एक रफली सा आइडिया दे। इसमें आपने अपना ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिफाइन करना है, आप क्या करने जा रहे हैं। जिस तरह हम यहाँ बैठे हुए हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले हो सकता है आप किसी लीनियर अलजेब्रा की क्लास पढ़ रहे हो, टोपोलॉजी की क्लास पढ़ रहे हो, तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इंग्लिश की कहीं पढ़ रहे होते हैं तो उसका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। दूसरा स्टेप आप होता है कि इसके अंदर हम बैकग्राउंड के अंदर हम करते हैं कि हाँ वेरिएबल डिफाइंस करते हैं, रेलिवेंट वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं और रेलिवेंट लॉज को डिफाइन करते हैं बैकग्राउंड के अंदर, फाइन। तो यहाँ आप जितने भी रेलिवेंट वेरिएबल हैं, सारे वेरिएबल जरूरी नहीं हैं, फॉर एग्जांपल के अगर हम फ्लो फिनोमेना को डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर कंसिडरेशन नहीं कर रहे, तो हम टेम्परेचर को नहीं कंसिडर करेंगे, फिर वेलोसिटी वगैरह को, फ्लेक्सेस को यूज़ करेंगे, उनको यूज़ करेंगे, फाइन। तो रेलिवेंट लॉज, अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट को मॉडल कर रहे हैं तो यहाँ रेलिवेंट लॉ आपके वो किरचॉफ लॉ शायद रिकॉल करें वो यूज़ होते हैं, इस तरह के लॉज हम यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ न्यूटन साइकिल लॉ मोशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वेव फिनोमेना को हमने मॉडल करना है तो किरचॉफ लॉ की शायद हमें यहाँ ज़रूरत ना पड़े, तो यहाँ हमें ये बैकग्राउंड में रेलिवेंट लॉ, उन लॉ की ज़रूरत नहीं है, इन लॉ की ज़रूरत है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हाटएवर दैट मे बी रेलेवेंट लॉ। तो यहाँ हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे और पर्टिनेंट लॉ जो रेलेवेंट है या डेटा है, सम टाइम आपका डेटा की फॉर्म में गिवन होता है, जिस तरह ये कोविड चल रहा है तो हॉस्पिटल से आप डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उन डेटा रेलिवेंट डेटा को यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। सो पर्टिनेंट लॉ एंड डेटा एंड द वेरिएबल्स must be defined in this step, ठीक है। अब जो फोर है, थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप के अंदर यहाँ हम आके कुछ अप्रक्सीमेशन लगाते हैं, उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं, फाइन। हम 100% फिजिकल सिस्टम को मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं कर सकते, अप्रक्सीमेशन है हर चीज़ की, डेरिवेटिव जहाँ भी कैलकुलेट हम करते हैं, यू नो दैट डेरिवेटिव इज सम अप्रक्सीमेशन ऑफ, फाइन। तो यहाँ हम उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ लिमिटेशन लगा के उसे रिड्यूस, मसलन इन जनरल वेव इज ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कंसीडर कर, वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में आवाज़ जा रही है, लेकिन हमें तीनों डायरेक्शन को लेंगे तो आपका जो स्पीड होगी दैट मस्ट बी फंक्शन ऑफ द थ्री स्पेस वेरिएबल एज वेल एज टाइम पे डिपेंडेड है। तो आपका कम्प्लिकेशन जब आप मैथमेटिकल मॉडल करेंगे तो कम्प्लिकेशन बढ़ती जाएगी, तो उस कम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए, अपनी आसानी के लिए, वी मेक सम रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट, फॉर एग्जांपल कि आपका वेव वन डायमेंशन चल रही है तो वेलोसिटी या वो वेलोसिटी विल बी फंक्शन ऑफ द वन स्पेस वेरिएबल, तो उसमें चीज़ें आसान होती हैं, तो यहाँ इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, ठीक है। और जो मेजर पार्ट है वो ये पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमने वेरिएबल जान डिफाइन किए हैं, जो भी हमने लॉज रेलिवेंट डिफाइन किए हैं, और अंडर द गिवन अप्रॉक्सीमेशन जो हमने स्टेट किए हैं, इन वेरिएबल को लॉ की मदद से यहाँ मैथमेटिकल रिलेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हम करते हैं, दिस इज द मेजर पार्ट। यहाँ मैथमेटिकल रिलेशन की फॉर्म में वेरिएबल्स को और ला विद दी हेल्प ऑफ लॉज अंडर दीज अप्रॉक्सिमेशन हम कनेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब है वेरिएबल प्लस दिस इज इक्वल टू दिस रिलेशंस, ठीक है। तो ये पार्ट आपका मेजर स्टेप होता है। अगर पेज नंबर टू आपके पास हैंड आउट है तो वहाँ उसने इस तरह की कोई वर्ड में लिखी है, एट दिस स्टेज द मैथमेटिकल रिलेशन दैट गवर्न्स द बिहेवियर सिस्टम आर डिराइव्ड। इन जनरल वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेवरल टाइप ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। ये इसने आगे थोड़ी सी और कहानी डाली, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जस्ट यू नीड टू कनेक्ट द वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ द गिवन लॉज अंडर द गिवन अप्रॉक्सीमेशन इन टर्म ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन रिजल्टिंग यूजली इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका मेजर पार्ट है। अब जाहिर है ये जहाँ यहाँ इस स्टेप नंबर फोर पे जो भी आपको सिंगल या मल्टीपल इक्वेशंस मिली हैं, आइदर दे आर ओडी, दे आर पीडी, सिस्टम ऑफ ओडी, सिस्टम ऑफ पीडी, व्हाटएवर दे आर, मे बी दे आर द अप्रॉक्सीमेशन, तो रियल
फिजिकल फिनोमेना के साथ उनकी कितनी वैलिडिटी है। फाइन, कोविड का डेटा आपने हॉस्पिटल से कलेक्ट किया, उसका एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाया, उसको कंप्यूटर पे या सॉल्यूशन निकाल के एनालाइज किया है, फिर उसको ओरिजिनल एग्जैक्ट जो आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा उसके साथ आप कंपेयर करते हैं, अगर रिजल्ट एक्सेप्टेबल हो, एरर कम हो, तो वो मॉडल आपका वैलिड मॉडल होता है, एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर उनमें एरर ज़्यादा हो, डेविएशन ज़्यादा हो, रियल फिनोमेना कुछ और कह रहा हो, आपका मैथमेटिकल जो रिलेशन है वो कुछ और प्रेडिक्ट कर रहा हो, तो इसका मतलब दैट मॉडल इज़ नॉट गुड मॉडल। तो आप क्या करते हैं, इधर उसकी वैलिडेशन चेक करते हैं, कितनी करेक्शन है आपके मैथमेटिकल रिजल्ट्स की और रियल फिजिकल सिस्टम की। अगर वो ज़्यादा एरर हो तो ये सिक्स नंबर स्टेप के अंदर हम कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग मीन उसकी इम्प्रूवमेंट करते हैं। इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे कि हो सकता है कि कोई वेरिएबल हमसे मिस हो गया है, या कोई रेलिवेंट ला हमने सही तरीके से यूज़ नहीं किया, या हमने जो उस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हैं स्टेप नंबर थ्री पे, वो ज़्यादा इम्पोज कर दी हैं, तो उनको हम रिलैक्स करेंगे, उनको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करके फिर यहाँ से यहाँ रिलैक्स रिस्ट्रिक्शन करके फिर जिस तरह कंप्यूटर में लूप पे फिर जीरो से वन से स्टार्ट लेते हैं, फिर ऊपर से स्टार्ट करेंगे, तो अपने उस मॉडल को इम्प्रूव करेंगे। फाइन, एट दिस स्टेज सिक्स नंबर पे क्या लिखा हुआ, एट दिस स्टेज द प्रोटोटाइप मॉडल, प्रोटोटाइप में जो आपने लैब टाइप में चीज बनाई है छोटे स्केल पे, मॉडल इज मॉडिफाइड टू टेक into account some aspects of the system that were neglected earlier in data, या तो वहाँ आपने कुछ चीज़ें neglect कर दी हैं उनको incorporate कर रहे हैं, या जो आपने restriction impose की थी उनको relax कर रहे हैं। तो ये six steps हैं जी। any question students? Adnan, स्टेप फाइव थोड़ा सा रिवाइज कर दो क्या? स्टेप फाइव के अंदर बच्चे ये है कि जो आपका यहाँ मैथमेटिकल रिलेशन बन गया है ना स्टेप फोर पे, जो भी एक्वायर बनी है उसको स्टडी करेंगे, उसके रिजल्ट्स को, जो रियल सिस्टम है ना आपके पास, फिजिकल सिस्टम है जिसकी आप मैथमेटिकल मॉडलिंग कर, उससे कंपेयर करेंगे अपने रिजल्ट। यहाँ से चार नंबर के सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको मैथमेटिकल रिजल्ट्स मिलेंगे, और ये जो आपका रियल लाइफ में वो डेटा या वो प्रॉब्लम है उसके रिजल्ट भी एक्सपेरिमेंटल भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उनसे कंपेयर करेंगे। अगर दोनों में एग्रीमेंट गुड है तो हम उसे एक्सेप्टेबल मॉडल कहेंगे, अगर उनमें एरर ज़्यादा है तो हम फिर छठे स्टेप पर जाएंगे। सिक्स स्टेप की ज़रूरत कभी पड़ सकती है, कभी नहीं पड़ सकती। तो आप यहाँ मैथमेटिकल रिलेशन के जो रिजल्ट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, और जो आपका रियल फिजिकल सिस्टम का डेटा या रिजल्ट्स है उनसे कंपैरिजन करेंगे पांचवें पे। अगर वो कंपैरिजन एक्सेप्टेबल फॉर्म में आ रही है, इक्वेशन जो आएंगी दे आर आर द अप्रोक्सीमेशन, एग्जैक्ट तो नहीं है, तो वो अप्रोक्सीमेशन आपके रियल लाइफ सिस्टम से कितनी कंपेटेबल है। अगर कंपेटिबिलिटी एक्सेप्टेबल है, एरर कम है, तो वो गुड मॉडल है, फिर उसमें कंपाउंडिंग की जरूरत नहीं होती। और अगर उसमें एरर ज़्यादा है, फाइन, आपका मॉडल फॉर एग्जांपल कह रहा है कोविड के पर डे 1000 केस आते हैं, रियल लाइफ में 5000 आ रहे हैं, तो एरर बहुत ज़्यादा है। लेकिन yes, आपका मॉडल अगर कहता है जी 4900 4800 5000 आ रहे हैं केसेस, कल आज इतने कल इतने आएंगे, प्रिडिक्शन करनी है ना रियल लाइफ में इतने आ रहे हैं, तो एक्सेप्टेबल मॉडल है, तो उसमें कंपाउंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम एक इक्वेशन मॉडल करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो फर्स्ट है, पहली आपकी ये कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो डेफिनेटली ये इसके अंदर आप अपना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप हीट इक्वेशन मॉडल करना चाह रहे हैं, वेव इक्वेशन मॉडल करना चाह रहे हैं,
या कोई ट्रैफिक फ्लो की इक्वेशन मॉडल करना चाह रहे हैं या टेलीग्राफ इक्वेशन मॉडल करना चाह रहे हैं, हर इक्वेशन या उसका डिफरेंट वेरिएबल होंगे, हर इक्वेशन के अंदर डिफरेंट लॉज यूज होंगे, लिहाजा आपको पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। सो इस मॉडलिंग के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? वी आर इंटरेस्टेड टू ड्राइव ए मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर ट्रैफिक फ्लो। कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी ट्रैफिक फ्लो के लिए भी यूज होती है, ये वाटर फ्लो के लिए भी यूज होती है, पाइप के अंदर जो पानी चल रहा होता है, ठीक है। सो इसमें ये है कि हम ऐसे अज्यूम करेंगे कि एक ही लाइन में चीज़ें चल रही हैं, गाड़ियाँ, ठीक है। सो वी आर इंटरेस्टेड मॉडल इक्वेशन फॉर द ट्रैफिक फ्लो ऑन ए हाईवे विदाउट एग्जिट्स एंड विद वन एंट्रेंस एंड वन लेन, ठीक है, कि गाड़ियाँ एक रोड पे आई हैं, उनकी एक ही जगह से इंटर हो रही हैं, एग्जिट कोई नहीं है, स्मूथली चल रही हैं, सिंगल लाइन में है, वन लेन में है, ठीक है, दो लेन वाली नहीं है, उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। अब ये है कि अब ऑब्जेक्टिव के बाद हमने इसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर कुछ लॉ यूज होंगे, लॉ यूज होंगे, लॉ कंजर्वेशन मैस यूज होगा, इस तरह की चीज़ें यूज होंगी या वेरिएबल यूज होगी, वो हमने आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो जब हम कंटिन्यूटी की ट्रैफिक फ्लो की मॉडलिंग करेंगे तो ज़ाहिर है हमें कोई वेलासिटी से रिलेशन, वेलासिटी के वेरिएबल कोई एक चाहिए होगा, ये वेलासिटी आपका फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल होता है, फंक्शन ऑफ टाइम होता है, स्पेस वेरिएबल आपको अंदाज़ा है कि एक्स वाई जी तीन स्पेस वेरिएबल होते हैं कार्टेशियन में, ठीक है, अलॉन्ग एक्सिस मोशन हो सकती है, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जी एक्सिस। तो ऊपर हमने कहा है कि वन लेन में चल रही, तो इसका मतलब है कि हम वन डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिराइव करना चाह रहे हैं, तो जो हमारी वेलोसिटी या फ्लक्स या डेंसिटी होगी दे आर ओनली फंक्शन ऑफ ए सिंगल स्पेस वेरिएबल, फाइन। तो वेरिएबल के अंदर आप वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, फाइन, ये आपके बैकग्राउंड के अंदर आप डेंसिटी डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ कार डिफाइन करेंगे, इस तरह की चीज़ें, और इसके अलावा आप यहाँ जो लॉ यूज़ करेंगे, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मैस यूज़ करेंगे कि आपने ऊपर इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा कर दी है कि एक ही एंट्रेंस है गाड़ियों की विदाउट एग्जिट एंड वन लेन, इट मीन दैट नंबर ऑफ कार इंटरिंग एट वन सेक्शन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कार leaving at the other section if there is no accident on the road. Physically, practically आपकी गाड़ियों के road पर accident होते हैं, तो इसका मतलब है entrance से जो in हुई है अगर accident होता है खुदा नखास्ता, तो exit पर वो number out नहीं होगा, कम होगा, ठीक है, तो कंजर्वेशन लॉ यहाँ hold नहीं करेगा अगर ये assumption हम नहीं लगाते, तो इस तरह की चीज़ें use करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद हम स्टेप नंबर थ्री पे आते हैं, जहां हम अजम्पशन अप्रॉक्सीमेशन या अजम्पशन भी आप इसे कह सकती हो, अंडर व्हाट अजम्पशन वी आर गोइंग टू इम्पोज या मॉडल अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां इसने दो तीन अजम्पशन ही दी है। सो फिजिकली या प्रैक्टिकली नो हाईवे इज इनफिनाइट, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी आर फॉर मेक अवर इक्वेशन टू बी वन डायमेंशन वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट अवर हाईवे इज इनफिनाइट, ठीक है। तो पहली एक हाईवे इज इनफिनाइट होगा, जिसका मतलब है जहां से एक दफा गाड़ी एंटर हो गई है वो एग्जिट नहीं कर सकती, एग्जिट नहीं कर सकती, तो कंजर्वेशन लॉ यहां होल्ड कर जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द assumption. Second assumption is we define the car density variable, आ गया car density को हम denote करेंगे से rho से, और आपको ये पता है अभी space vary करने से भी आपकी number of car vary कर रही होती हैं, time vary करने से भी, so cars are moving in one direction because we are considering one lane problem, it means that आपकी density is a function of time, ये आपका time variable है, ये आपका space variable है, तो आपका one dimensional problem है, ठीक है। अगर आपकी दो लेन हो या तीन हो तो आपका number of dimension बढ़ जाएंगी, number of dimension बढ़ जाएंगी तो density may be function of x, y and z हो सकती है, तो आपकी complication बढ़ेंगी। तो ये एक वेरिएबल आपने डिफाइन किया है।
और नंबर ऑफ कार डेंसिटी को हम यूजुअली इसने नीचे डिफाइन किया हुआ है कि नंबर ऑफ कार ऑन सम इंटरवल ऑफ हैविंग लेंथ डेल्टा एक्स एट ऑफ डी डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द इंटरवल फाइन so that length and interval must be large enough so that at least a car us interval ke andar aani chahiye ki wo interval delta x humne itna small nahi lena ke a car bhi uske andar na aaye fir there are no car in that interval hogi to kuch is tarah ki aapne lagani hai assumption ab ek aur isne approximation haan ji are ye 0.1 hai infinite highway iska matlab exit nahi hai iska एग्जिट नहीं है ना एग्जिट होगा तो देखिए कंजर्वेशन ला नहीं यूज हो सकता ना, जितनी इन हुई उतनी तो आउट नहीं होंगी, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं इन्फिनिट। और एक और इसके लिए यूज कर रहे हैं देयर आर नो एक्सीडेंट ऑन हाईवे, नो एक्सीडेंट्स ऑन हाईवे। कंजर्वेशन ला ऐसे होगा कि हम ये कह रहे हैं कि एक इनफिनिट हाईवे एक दफा इन हुई हैं गाड़ियां आउट कोई नहीं होंगी, ठीक है, तो कोई से दो हम पार्ट आर्बिट्री ले लेंगे ना फ्रॉम ए टू बी, तो जितनी ए पॉइंट से इन होंगी उतनी बी पॉइंट से एग्जिट होंगी हाईवे से, नहीं दो डिफाइनेट इंटरवल हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ से लाहौर का डिस्टेंस देना है, तो हम कोई एक ऑब्जर्वेशन स्टडी करनी है तो पूरे हाईवे को तो एट अ टाइम हम स्टडी नहीं कर सकते, हम कोई एक किलोमीटर दो किलोमीटर की पैच ले लेंगे कि इतनियाँ एक पॉइंट से इन हो रही हैं दूसरे पॉइंट से आउट हो रही हैं, और दूसरा नो एक्सीडेंट वाली कंडीशन भी यूज़ करेंगे, कंजर्वेशन लॉ आपका होल्ड करेगा व्हेन देयर इज़ नो एक्सीडेंट ऑन द हाईवे, तो किसी एक पॉइंट से जितनी क्रॉस कर रही हैं ए से उतनी बी से आउट हो रही हैं If there is no accident on highway, अगर accident होंगे तो कंजर्वेशन लॉ नहीं होल्ड करेगा। So there are no accident on the highway, and if there is any, that ratio is negligible. Hence we formulate the principle of car as conservation, which is equivalent to the law of conservation of mass की तरह है। और इसकी statement आप पेज फोर पे देख लें, कंजर्वेशन लॉ मैस क्या कहता है, रेट एट विच द नंबर ऑफ कार ऑन सम सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, कि ये आपका हाईवे इन्फिनिट है तो वहाँ आप जो स्टडी कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कर रहे हैं, इस पोर्शन को आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो गाड़ी यहाँ से इंटर होगी जितनी नंबर ऑफ कार इतनी नंबर ऑफ कार बी पॉइंट को क्रॉस करेंगी, सो द रेट एट विच द नंबर ऑफ कार ऑन द सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी इज चेंजिंग is equal to rate at which the number of car enter at this point, this line A, minus the number of car that are leaving at this point B. तो यहाँ ये principle आपका conservation आपका utilize होगा। आगे चलते हैं, एक ये assumption आ गई है no accident वाली, एक और फिर आगे variable define करेंगे car फ्लक्स को, नंबर ऑफ कार कितनी है, इफ आई डिनोट द नंबर ऑफ कार फ्लक्स ऑफ द कार बाय क्यू एंड क्यू इज आल्सो फंक्शन ऑफ द स्पेस एज वेल एज टाइम, लेंथ का फंक्शन भी है, आप एक किलोमीटर का पैच लेते हैं उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कार होंगी वो डिफरेंट होगी, 10 किलोमीटर का आप पैच ले लेते हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ कार एट एनी टाइम डिफरेंट होंगी यकीनन आप, फाइन, तो ये क्यू जो है नंबर ऑफ फ्लक्स ऑफ द कार दैट मस्ट बी फंक्शन ऑफ द टाइम का फंक्शन भी होगा, लेंथ का फंक्शन भी होगा, तो ये क्यू होगा किसके बराबर, क्यू क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द कार मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द कार और स्पीड कहने से, सो रो इज द डेंसिटी ऑफ द कार मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द कार विल गिव यू द फ्लक्स, ठीक है, तो ये आपके पास एक मैथमेटिकल रिलेशन आपने डिफाइन कर दिया है, फ्लक्स इन टर्म ऑफ द डेंसिटी एंड स्पीड। तो ये भी टू सम हाउ किसी हद तक भी एक फिजिकल लॉज है, नंबर ऑफ कार को स्पीड से या वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार डेंसिटी आपको मिल जाएगी। आप चलते हैं जो आपका मेजर स्टेप होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग वाला,
इस स्टेप, ये मेजर स्टेप है, इसमें आप जितने भी ऊपर वेरिएबल डिफाइन किए हैं स्टेप थ्री के अंदर, कोई लास्ट स्टेट किया है स्टेप थ्री के अंदर, कोई अप्रॉक्सीमेशन आपने स्टेट की है स्टेप थ्री के अंदर, उन सब को आपने कनेक्ट करना है और कन्वर्ट करना है इन टर्म ऑफ मैथमेटिकल रिलेशंस. So to derive a model equation for the traffic flow, here we consider the finite section of the road between the two points A and B. Fine. Previous page पे मैंने ये आपका point A हो गया, ये आपका point B होगा. तो आपने इस patch के अंदर वो study करना चाह रहे हैं. So if I denote the number of car in this segment by N. If I denote the number of car in this segment by n, for example, जितनी भी हमें नहीं पता, at any time t, तो क्या होगा? ये आपका number of car जो होगी, that must be function of the time, and it must be function of the length of this segment. और length आपकी है a से b तक. Where अब ये आपका time variable, ये variable है, ये जो दो है ये आपके constants हैं. फाइन, सेगमेंट ऑफ द लेंथ ए भी आपने डिफाइन किए, बी भी डिफाइन किए, ये वेरिएबल नहीं हैं, ये कांस्टेंट्स हैं, याद रखिए. तो आपकी क्या होंगी? नंबर ऑफ कार इन दिस सेगमेंट एट एनी टाइम टी विल बी क्या होती है मैथमेटिकली? हमें जो है जो कार डेंसिटी होती है, नंबर ऑफ कार को हम पूरे इंटरवल पे इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो रो इज डिफाइनिंग द density of the car over the given interval will give you some relation, and this is integral from a to b rho into dx will give you the number of car in this segment running from a to b. So you are getting this one of the relation. आपको नंबर ऑफ कार से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आपको रेट ऑफ चेंज से इंटरेस्ट है. व्हेन यू आर यू using the law of conservation of cars, ठीक है? तो conservation of car की जरूरत है, इसका मतलब you are interested to calculate the rate of change of car instead of the number of car. तो rate of change of car आप इस expression से कैसे calculate करेंगे? You need to calculate the derivative of the above equation two with respect to t. Left side पे आपका जो function है, that is the only function of a single variable t where a and b are constant. So the rate of change of the left hand side is equal to dn by dt, whereas the rate of change on the right hand side is equal to partial rho by partial t of x t into dx. Right side pe aapki density is a function of x, space variable, density is a function of time. Left side, right side pe aapka partial derivative use hoga. Left side pe partial use kar le ya ordinary use kar le, single variable ka function hai, n t ka function hai, alternate derivative hum likh sakte hain. So the rate of change in this quantity too is given by this expression. Theek hai? So this rate of change, ab ye rate n is denoting the number of car, where dn by dt is denoting the rate of change in number of car. So rate of change of number of car kya hongi agar hum is figure ko dekhen? To number of car entering at a minus the number of car leaving at b will give you rate of change. Adnan, so this rate of change defined in the equation 3 must be equal to the flux of the car. Flux of the car entering at A minus flux of the car leaving at B. तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ आपका flux है Q at A T और flux है Q at B T. दोनों का difference जब calculate करेंगे that will give you dN by dt. Fine. Therefore सर पिछली स्लाइड शो कर देंगे दफा, ये लेना. ओके सर, डी एन बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कार. रेट ऑफ चेंज ऑफ कार क्या है? कार फ्लक्स एट ए माइनस कार फ्लक्स एट बी. नंबर ऑफ कार फ्लक्स
entering number of car at A minus leaving the car at B. तो car की flux से हम define करेंगे, ऊपर हमने define किया हुआ है. Fine. तो इस expression को यहाँ figure वाली को मैं साफ पेज पे जब लिखूंगा, dN by dt is equal to Q at A comma T minus Q at B comma T. So with the help of some mathematical law, I can write this expression in term of integral from A to B minus partial Q by partial X of X T into D of X. तो ये आपकी डिजिट नंबर 4 होगी. अब इस 4 में जो मैंने इंटीग्रल लिखा है, आप इसको हल करेंगे तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन बनता है. फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस या सेकंड इस तरह कोई एक थ्योरम यूज होता है. डेरिवेटिव इंटीग्रल कट जाएंगे, जो भी फंक्शन होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे आप रिलेट करते हो. नॉन इसको कौन सा कहते हैं कैलकुलस का सर? नॉन मौजूद नहीं है उसका, मोबाइल फोन बंद. चलो आप बता दो. अली हमजा, अली हमजा बात कर रहे हो? तो सर हाँ. मैं तो रिजवान. ओ रिजवान बात कर रहे हो, दाढ़ी वाले? जी सर. हाँ चलो आप बता दो बच्चे, आप बता दो. पर क्या पूछा था? मैंने ये पूछा है, वो जो मैंने पीछे एक इक्वेशन लिखी थी ना, इस स्लाइड जो आपको शो हो रही है, ऊपर QA कमा T माइनस QB कमा T को नीचे इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा है मैंने इसको. ये कैसे लिखा है? उमेर सर, ये फर्स्ट थ्योरम ऑफ इंटीग्रल है ना, आई थिंक इंटीग्रल कैलकुलस है मेरा ख्याल है. हाँ, कि फंक्शन को अपर लिमिट पे माइनस लोअर लिमिट पे एवलुएट करते हैं ना. फाइन, ठीक कह रहे स्टूडेंट. फीमेल सर, ये डेफिनेट इंटीग्रल का थ्योरम तो नहीं है ये? वो ये कैलकुलस 2 में आता है मेरा ख्याल, ये कैलकुलस. हाँ, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है शायद. यस सर. चले, उससे हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है. अब ये मेरी इक्वेशन नंबर जो 4 है, डी एन बाई डी टी. अब ये देखिए, एक एक्सप्रेशन डी एन बाई डी टी रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ कार्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ कार्स है. ऐसे प्रीवियस स्लाइड में भी इस तरह का रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ कार मैंने डिफाइन किया हुआ है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर. ठीक है, ये 3 के अंदर भी dN by dt is denoting the rate of change of number of car. इसका मतलब है equation 3 and equation 4 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम आ रही है. dN by dt इस equation के अंदर भी है और dN by dt इस equation के अंदर है. तो इसका मतलब है हमें मैथमेटिकल ये पता है, दो डिफरेंट equation के अंदर अगर एक साइड सेम हो तो इसका मतलब है दूसरी साइड भी सेम होती है. सो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, वी ऑब्टेन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी पार्शियल रो बाय पार्शियल टी डी. क्या एक्सप्रेशन था? पार्शियल रो बाय पार्शियल टी इंटू डी एक्स. ठीक है, t into dx is equal to minus integral from a to b. दोनों equation 3 और 4 के अंदर left hand side दोनों की same है, उसको हम use करते हुए right hand side को भी same कर सकते हैं. तो इसका मतलब है ये minus sign को मैं अगर left side पे shift करता हूँ, integral from a to b partial 4 by partial t dx plus integral from a to b partial q by partial x dx is equal to 0. अब दोनों टर्म्स के अंदर एक इंटीग्रल मेरा दोनों में कॉमन आ रहा है और दूसरा डिफरेंशियल डीएक्स कॉमन आ रहा है. ये दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं, जब कॉमन लेता हूं तो ये मेरे पास इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी फर्स्ट टर्म के अंदर बच जाता है पार्शियल रो बाय पार्शियल टी प्लस
सेकंड टर्म बन जाते हैं पार्शियल क्योंकि पार्शियल एक्स इनटू डीएक्स इज इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन पे जब भी हम पहुंचे हैं तो हमें ये अंदाजा था कि जब हमने ये हाईवे पे ये दो पॉइंट की लोकेशन डिफाइन की थी, आइडेंटिफाई की है ए एंड बी हाईवे पे, दिस इज आर्बिट्रेरी। सो इफ द एंटीग्रल ओवर आर्बिट्रेरी लिमिट इज 0, इट मीन दैट एंटीग्रेंट इज 0 एज द selection of the point A and B is arbitrary. So integral over the arbitrary limit is 0, it means that integrant is 0. From here I can write that integral ko drop kar denge, integrant ko 0 kar denge, partial rho by partial t plus partial q by partial x is equal to 0. Yes, is expression pe chalenge. इसको भी नेम दे दे। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो q है दैट इज नोन एज फ्लक्स। अब फ्लक्स की मुझे उठा के प्रीवियस पेजेस पे जो मैंने इसकी वैल्यू डिफाइन की थी वो सब्स्टिट्यूट कर देनी, जो कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। सो यूजिंग नाउ इक्वेशन नंबर 1, वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू रो इनटू u इनटू इक्वेशन 5, सो यूजिंग 1 into 5 we get partial rho by partial t plus partial q by partial x is equal to 0 or partial rho by partial t plus partial by partial x of rho u is equal to 0. तो ये जो मेरे पास एक मैथमेटिकल का रिलेशन बन गई है, this is known as the continuity equation for traffic flow. और ये है कि ये फ्लूइड फ्लो के लिए भी होती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी हम इसे कहते हैं, दिस इज नोन एज लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर 1D हमने लिया हुआ है। अगर 2D ले तो आपके ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी अपीयर होंगे, विद रिस्पेक्ट टू 3D लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x y z ट्यूनिंग के हिसाब से अपीयर होंगे। यहां तक किसी का क्वेश्चन हो? सर जब आपने सब्स्टिट्यूशन किए ये क्वेश्चन कैसे आई है? कौन सी सब्स्टिट्यूशन की है ये? जी सर, ये q की वैल्यू मैंने 1 से उठा के 5 के अंदर पुट कर दी है। q आपका है रो इनटू u, ये देखो ठीक q है आपका रो इनटू u, तो ये उठा के मैंने बस इधर q की वैल्यू रख दी है, तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है सर। Excuse me, sir. जी शानजा। सर अगर हम नंबर ऑफ लाइंस हाईवे पे ज्यादा ले ले तो हमारे पास ये फिर स्पेस वेरिएबल्स इंक्रीज होंगे। मेरा ख्याल है फिर टू डायमेंशनल प्रॉब्लम हो जाएगा। गाड़ी आगे भी जा रही है तो लेफ्ट राइट इंडिकेटर लेके दाएं बाएं हो सकती है ना? यस सर। फाइन, तो वो आपकी स्पेस वेरिएबल नंबर ऑफ स्पेस वेरिएबल बढ़ जाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इधर अगले पेज पे चला जाता हूँ, नंबर आपके जस्ट बढ़ जाएंगे। ये आपकी ये देखो कोऑर्डिनेट हमने इस तरह डिफाइन करने हैं, इधर आपका एक्स है, ये आपका वाई है, इधर आपका वर्टिकली आउटवर्ड यहाँ से निकालेंगे ना इस वाइट बोर्ड से, वो आपका जी होगा। तो अगर गाड़ियाँ सिर्फ इधर जा रही हैं तो इसका मतलब है वेलोसिटी जो है आपका ओनली यू से डिनोट करें, फंक्शन ऑफ टाइम तो है ही है, ओनली एक्स का फंक्शन है, लेकिन गाड़ी इधर भी जा रही है और ये गाड़ी इधर आके इधर भी जा रही है, इसका मतलब है यहाँ भी इधर भी मूवमेंट हो सकती है, इधर भी मूवमेंट हो सकती है, इसका मतलब है वेलोसिटी आपका फंक्शन ऑफ एक्स दोनों वेरिएबल का फंक्शन बन जाएगी, दो वेरिएबल का, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड टी, नंबर ऑफ स्पेस वेरिएबल आपके बढ़ जाएंगे, इधर भी जा सकती है, इधर जाएगी इस तरह अलॉन्ग द बोर्ड हॉरिजॉन्टल मूव करेंगी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स है, एक्स के फंक्शन में वेलोसिटी और डेंसिटीज होंगी, इधर मूव करेंगी वर्टिकली ठीक है तो वाई का फंक्शन भी आ जाएंगे, ये आ जाएगा वाई का फंक्शन, इसका मतलब है आप कॉम्प्लिकेशन नंबर ऑफ डायमेंशन बढ़ जाएंगी। तो हमने अज्यूम किया था एक लेन, इस वजह से वो स्पेस वेरिएबल एक्स का है कि सिर्फ आगे चल सकती हैं गाड़ियाँ, दाएं बाएं नहीं हो सकती, दाएं बाएं होंगी तो वाई का फंक्शन आएंगी, जहर गाड़ी थ्री डायमेंशन ऊपर तो नहीं उठ सकती, लेकिन जो पानी का फ्लो है इस तरह पाइप है तो वो एक पार्टिकल जो है आगे मूव कर रहा है तो आगे भी जा सकता है,
किसी इधर अगर रेडियस डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन में भी जा सकता है, थीटा डायरेक्शन में भी जा सकता है, तो तीनों वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है। सर हम इसको टू वे ट्रैफिक के लिए मॉडल नहीं कर सकते सेम वे में? टू वे का मतलब है गाड़ियां आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, एक तरफ से आ रही, दूसरे से जा रही है। नहीं, लेन के हिसाब से मॉडल करते हैं। एक लेन का मतलब है वो जो एक 6-8 फुट का रोड के निशान नहीं लगे होते येलो, उनके दरमियान एक ही रो एक है। ओके, रो एक है, रो दो करेंगे तो फिर आपकी नंबर ऑफ डायमेंशन बढ़ जाएंगी, तीन करेंगे तब भी दो टू ही होंगी। लेकिन गाड़ी हाईवे से ऊपर उठ सकती है हवा में, जिस तरह हेलीकॉप्टर है, तो वो थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम बनेगा। फिर उसमें जी डायरेक्शन अपवर्ड है ना, रोड पे आप सीधा चलेंगे तो एक्स है, दाएं बाएं होंगे तो वो वाई डायरेक्शन है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ऊपर नीचे होंगे रोड से जहाज की तरह, तो वो थ्री डायमेंशन जी डायरेक्शन आपकी अबव द अर्थ होगी ना उसमें। तो इस तरह की चीजें हैं, तो वो हमने अजम्पशन लगाई। अब आपने ये करना है कि ये पहली होगी, दूसरी जो मॉडलिंग है हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट का थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर ओडी भी मॉडल की थी और सेकंड ऑर्डर ओडी भी मॉडल की थी। उसमें वो वेरिएबल डिफाइन करने हैं, रेजिस्टर है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, रेजिस्टर लगा हुआ होता है, कैपेसिटर लगा हुआ होता है, इंडक्टर लगा हुआ होता है, इस तरह की दो तीन चीज़ें होती हैं, बैटरी या सोर्स लगी हुई होती है। करंट को आई से डिनोट करते हैं, वोल्टेज को वी से या ई से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। ये अगली मॉडलिंग आप पेज 7 से ऑनवर्ड खुद पढ़ लें, ठीक है। यहाँ वेरिएबल डिफाइन किए, आगे कुछ लॉज यूज़ करते हैं, वोल्टेज ला, वोल्टेज ड्रॉप रहा के रजिस्टर, ओम ला वगैरह, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, ये स्टेटमेंट रिप्रोड्यूस हो रही है इधर, इनको यूज़ करते हुए यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग इसने की। इसे आप खुद से पढ़ लें, अगर कोई हर्डल हुई तो फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। किरचॉफ लॉ की मदद से हम उसे मॉडल कर लें, करंट ये यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन, टेलीग्राफ एक्वेशन आपने खुद से घर पर पढ़नी है। एक्वेशन नंबर 11 है पेज 13 पे, ये करंट के लिए है, और उससे ऊपर एक इक्वेशन नंबर 10 है जो कि वोल्टेज के लिए है, आगे उसके स्पेशल केसेस है। तो पेज नंबर 20 तक आपने 17 तक खुद कर लेना है। दूसरी मॉडलिंग जो मैं आपको कराऊंगा आगे चल के, वेव इक्वेशन की मैंने मॉडलिंग करानी है और मेजर हीट इक्वेशन की मॉडलिंग करानी है, वन डायमेंशनल वेव, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, ठीक है। वे मॉडलिंग स्पेशल की इलेक्ट्रिक सर्किट की है, ये सर्किट की है, टेलीग्राफ इक्वेशन जो है, ये जो आपके इंटरनेट सिग्नल आ रहे होते हैं, या ये इनकी इक्वेशन है, या ये आपकी जो बिजली की तारें होती हैं उसमें अंदर दो तार डली होती है, एक अर्थ होती है, दूसरी फेज होता है। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक सर्किट की इक्वेशन है, ये आप खुद कर लें। तीसरी मॉडलिंग में फिर कराऊंगा, ठीक है। वेव और हीट की करानी है। और किसी बच्चे की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, स्टूडेंट ऑनलाइन होते ही थोड़े हैं, 20-25 स्टूडेंट होते हैं। सर हाँ जी रिजवान सर, कितने चैप्टर पढ़ने हमने पीडी के? पीडी के जितना भी फोल्डर है सारे पढ़ने हैं। अभी तो मॉडलिंग वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद आगे वो है कैनोनिकल फॉर्म वाला है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला चैप्टर है 2, लैपलास वाला 3, और फूरियर वाला 4 चैप्टर मजीद है। सर वो ना घर जाना, तो इधर से नोट्स लेने थे, तो मेरे पास ये वाले तो हैं जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद चैप्टर नंबर 4-6 वाला भी है, तो इसके बाद इसलिए पूछा था कि अगर वो अगले भी ले लें, वो सीएल में वकार के पास चले जाए, पूरा फोल्डर है वो ले लें। फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी नहीं खुलती, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, तो फिर ज़ाहिर है आपके पास इधर से तो मैं बोर्ड पर जितना भी पॉसिबल हुआ लिखा दूंगा, लेकिन यहाँ तो छोटे छोटे स्टेप लिख रहे होते हैं ना दरमियान से, जो चीज़ें समझने वाली हैं, एक्सप्लेन करने वाली हैं, डिटेल नोट्स तो वो ले लें उधर से, ठीक है। हाँ जी मैं, एनी क्वेश्चन? नो सर।
ये दो तीन बच्चों का जो इश्यू था मैंने ऐड किया वो क्लियर हो गया। ये हैरिस बीएस वाला भी इधर ऐड है, पता नहीं वो हैरिस हैरिस बीएस स्टूडेंट, दो हैरिस ऐड है। सर मैं ऐड हूँ बीएस वाले हो? यस सर। तो आप उधर बच्चे बीएस वाले में नहीं ऐड हो? नहीं बीएस वाले में ऐड हूँ सर, उधर भी ऐड किया था आपने। ओ फिर ये गलती से ऐड हो गया ना, दो नेम थे ना हैरिस के, तो आप बेशक इधर भी लेना चाहते हो ले लो, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। उधर भी लेना चाहते हो तो ले लिया करो, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो जो दूसरा हैरिस है वो ऐड हो गया है कि ज़ाहिर नेम सेम, नेम सेम हो ना तो उसमें फिर ये रजिस्ट्रेशन नंबर से आइडेंटिफाई हो सकते है। दूसरा सेकंड हैरिस जो इधर एमएससी का हैरिस है सर वो अपने क्लास में ऐड होगा ना, इधर नहीं है। अच्छा आप बीएस के ही हो, आप बीएस के हो, हाँ गलती से एमएससी वाले में भी ऐड हो गए थे, पता नहीं अब उधर हो या नहीं। ठीक है जी, तो बीएस की क्लास है, फाइन फाइन ओके। और कोई बच्चा यहाँ हमारे पास अगर रजिस्टर है ऐड नहीं हुआ तो मुझे सी आर जी आर वो उसका नेम और रजिस्ट्रेशन भेज दे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़।